वीडियो बनाता हूं लो फोटो खींचो। राजा यादव कह रहा है जना बैल बटो पा रहे बना वीडियो अब बना बना। राजा यादव कह रहा है जो ट्रैक्टर वाले ने गाड़ी नहीं बजा बटो पा रहे हमसे के राजा यादव जो ट्रैक्टर वाले ने गाड़ी नहीं हो जाओ बदलो पतो परा बयाल जो कह रहा बनाओ वीडियो बना के तुमने ठीक अच्छी आ रही। जिले में किसान परेशान हैं सिकंदर और उनके युवराज जनहित जवान हित और किसान हित की बात तो करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर सच की हकीकत कोसों दूर है। देश का चीन को कड़ा संदेश एक इंच जमीन भी नहीं देंगे। वहीं दतिया नगर पालिका ने चाइना से मंगवाई 96 लाख रुपए की कीमत की हार्वेस्टिंग मशीन। राष्ट्र की सीमा पर हमारे जवान चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। दतिया नगर पालिका द्वारा चाइना से हार्वेस्टिंग मशीन मंगवाकर व्यापारिक संबंध बनाए जा रहे हैं। अजब है दतिया गजब है दतिया। कृषि उपज मंडी धर्मकांटो पर किसानों और व्यापारियों में उपजे विवाद को लेकर फिर सुर्खियों में है। कांटे पर मैं वाहन के फसल तुलवाने आने वाले किसानों से तुलाई के एवज में अधिक रुपए लिए जा रहे हैं। मंडी गेट पर लगे धर्मकांटों पर विवाद का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कांटे पर कम तौल अधिक पैसे लेने आदि को लेकर मारपीट जैसी गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार विवाद की सूचना मिलने पर जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विवाद सुलझाया और व्यापारियों को समझाया लेकिन एक बार भी कांटे पर कम तौल और अधिक पैसे लेने पर कार्यवाही नहीं की गई। कमल दल सरकार के कारिंदे किसानों के हमदर्द बनने के बड़े बड़े दावे करते हैं। पूरे प्रदेश में किसानों के साथ लूट का वातावरण बना हुआ है। जिले में किसान परेशान हैं सिकंदर और उनके युवराज जनहित जवान हित और किसान हित की बात तो करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर सच की हकीकत कोसों दूर है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती कांग्रेस जनों के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन प्रशासन है कि किसान हित में कुंभकर्ण की नींद से जागने का नाम नहीं ले रहा है। आपकी खाद ब्लैक में मिलती है ब्लैक में किसके आपका ब्लैक का पैसे किसकी जेब में जाता है? मंत्री की जेब में जा रहा है अधिकारियों की जेब में जा रहा है और जब आप भुगतान करते हैं जब आप अपनी फसल बेचने आते हैं तो भुगतान करने में देरी क्यों होती भाई 15 दिन का समय क्यों लगता है? अरे जब आप बाजार में किसान जब कोई चीज लेने जाते हैं आप दुकान पर जाते हैं सौदा खरीदते हैं जब आप सौदा खरीदते हैं तो पेमेंट तत्काल करते भुगतान तत्काल दुकानदार आपसे पैसा लेता है कि नहीं लेता? आपकी यदि पहचान का नहीं है और यदि आपकी जेब में पैसा नहीं है तो उधारी मानेगा क्या? नहीं मानता है। किसान का लाखों रुपए भुगतान अरे नियम में है क्या? ये मंडी एक्ट के नियम में है क्या? ये आज मंडी में कौन बैठा है? प्रशासक चुनाव हुआ अध्यक्ष चुनाव के लोग नहीं बैठे हैं। आज मंडी में मंत्री का आदमी बैठा हुआ है प्रशासक। अरे मंडी एक्ट में ये है कि किसानों का पैसा उधार नहीं किया जाएगा। मंडी एक्ट में ये है कि उसका तत्काल जो व्यापारी उसको खरीदेगा उसका भुगतान तत्काल खरीद करेगा। तो नहीं हो रहा भाई तत्काल भुगतान तो इसलिए नहीं हो रहा है कि अब धान की खरीदी तो किसान यहाँ बहुत डबरा का किसान बहुत परेशान हो गया। अब यहाँ भांडे रोड पे धान मिल चालू हो गई चावल मिल पता है आपको किसकी है वो? किसकी है वो चावल मिल? मंत्री की। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट बुंदेलखंड टुडे न्यूज़ झांसी।